दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ गई। पार्ट टू से पटना तरफ से बात करेंगे। यूजी के यहाँ पर रेगुलर बीए बीएससी बीकॉम दोस्तों स्पॉट एडमिशन शुरू हो चुका है, तो बताएंगे दोस्तों कैसे नाम स्पॉट एडमिशन क्लब को अप्लाई करनी है, क्या होगी पूरी प्रक्रिया। और भी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यहाँ पर फिर से आवेदन दोस्तों एक और मौका मिला है स्नातक में, जिनका भी नामांकन छूट गया थे इस पार्ट टू से पटना में, तो पूरी जानकारी में देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी के आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। दोस्तों बात करें यहाँ पर तीन राउंड के बाद लगभग 60,000 सीटें दोस्तों खाली रह गई। अब सीधा होगा नामांकन, पाटली से पटना में स्नातक में नामांकन के लिए फिर से दोस्तों आवेदन का मौका। 4 से 7 जुलाई तक विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन। कॉलेज विषयवार मेरिट लिस्ट 10 जुलाई को जारी करेगा। तो जिस तो बात करें यहाँ पर पाटलिपुत्र से पटना ने स्नातक से वंचित देखपुरा नामांकन यहाँ पर छात्र छात्राओं को एक बड़ा मौका दिया है, जो भी दोस्तों स्नातक में नामांकन से वंचित हो गए थे। वैसे छात्र छात्राएं जो अब तक नामांकन के लिए आवेदन नहीं कर सके थे, इन्हें आवेदन के लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने का एक मौका दिया गया है। इनका नामांकन सीधे दोस्तों स्पॉट राउंड में होगा। तो अभी जो भी यहाँ पे छात्र छात्राएं नामांकन के लिए अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए पाटलिपुत्र से पटना में, आपका डायरेक्ट एडमिशन स्पॉट एडमिशन के थ्रू होगा। इनका नामांकन सीधे स्पॉट राउंड में होगा। छात्र मंगलवार से 7 जुलाई तक नई तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इस बार में तीन दोस्तों राउंड के बाद लगभग 60,000 सीटें बची रह गई। छात्र विभिन्न कॉलेजों में स्नातक के बीए बीएससी व बीकॉम में बची हुई सीटों के लिए 27 से 27 के रेगुलर कोर्स में 4 जुलाई से स्पॉट राउंड के तहत नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। साथ छात्र 7 जुलाई तक स्पॉट दाखिले के लिए कॉलेज में जाकर ऑफर लेटर जमा कर सकते हैं 7 जुलाई तक। 10 जुलाई को कॉलेज स्पॉट राउंड के लिए नामांकन का विषयवार दोस्तों मेरिट लिस्ट पर जारी कर देगा। वही बात कर दोस्तों देख पा रहे, प्रक्रिया 13 जुलाई तक करनी है पूरी। 11 से 13 जुलाई तक नामांकन व वैलिडेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी। पाटलिपुत्र से पटना के डीन प्रोफेसर ए के नाग ने बताया कि जिन छात्रों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी तरह की त्रुटि यानी कोई भी दोस्तों करेक्शन कराना है, नामांकन नहीं हो सका तो वो दोस्तों नामांकन छूटा या दोस्तों नामांकन रद्द हो गया, तो वैसे छात्र भी 4 से 7 जुलाई तक अपना दोस्तों करेक्शन संशोधन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हो, आपको भी कोई करेक्शन कराना है करेक्शन करके आवेदन कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर देख पा रहे हो कि स्पॉट राउंड में नामांकन के लिए छात्रों को 2 भागों में प्लैंक ऑफ ऑफर जारी किया गया है। इसमें कॉलेज का नाम नहीं दिया जाएगा, ऊपर वाला भाग छात्रों के पास रहेगा और दूसरा वाला भाग कॉलेजों को फॉर्म के साथ जमा करना होगा। तो आइए बताते हैं यहाँ पे स्पॉट एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करोगे। यूजी के रेगुलर बीएससी बीकॉम 4 वर्षीय 23 से 27 सत्र के लिए, तो पाटलिपुत्र से पटना की ऑफिशियल वेबसाइट ppup.ac.in पर आ जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए और फिर जीपी जैसे फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, उस यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करिए तो उससे पहले और नीचे दोस्तों यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दोस्तों आया था, वो भी यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन का भी आ गई है, देखो दोस्तों यहाँ पे नोटिस आ गई है यूजी के ट्रेडिशनल स्पॉट राउंड को लेकर के। आप उस नोटिस को डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करके दोस्तों यहाँ पे नोटिस भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नोटिस आपको पढ़ा बता देता हूँ, हालांकि हमने पिछले में बताया है पूरी डिटेल में कि 23 से 27 देख पा रहे हो 17 यूजी के रेगुलर नामांकन के लिए अप्लाई कर सकते हो 7 जुलाई तक। ब्लैंक ऑफ लेटर दोस्तों यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है, उसी से आपका एडमिशन होगा। देख पा दोस्तों यहाँ पे महाविद्यालय 10 जुलाई तक दोस्तों एडमिशन ये लेगा। बात करें यहाँ पर देख पा रहे हो 4 से 7 दोस्तों यहाँ पर है यूजर ही पास कर सकते हो, ऑफ लेटर यहाँ पर डाउनलोड करनी है। तो बात करें जो भी फ्रेशर्स हैं वो भी दोस्तों यहाँ पर अप्लाई साथ ही साथ उनको भी करना है और कुछ नहीं करनी है फिलहाल। तो चलिए दोस्तों बताते हैं पूरी प्रक्रिया, ये कुछ नोटिफिकेशन थी ऑफिशियली आप पढ़ लेना। अब दोस्तों इसके साथ साथ एक और यहाँ पर अपडेट है फिलहाल देख पा रहे हो रजिस्ट्रेशन को लेकर के, तो भी अपडेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो जिनको भी नामांकन ले लिए हैं, ठीक है, नामांकन लेने वाले हैं ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो उस रजिस्ट्रेशन की दोस्तों नोटिस आ गई है। तो जी दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे पार्ट टू से पटना दोस्तों बहुत ही अपडेट यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हो रजिस्ट्रेशन को लेकर के भी पढ़ने को मिल जा रही है कि 27 से 27 में जिनका भी नामांकन हुआ है महाविद्यालय भावकूप के जाता है यूजी के रेगुलर, आपका रजिस्ट्रेशन दोस्तों 4 जुलाई से 8 जुलाई तक दोस्तों महाविद्यालय में ऑनलाइन दोस्तों होगा, आपको अपने कॉलेज में ऑनलाइन। छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि माइग्रेशन आपको अपलोड करना है दोस्तों, अब बहुत ज़रूरी है। माइग्रेशन के साथ आपको उस माइग्रेशन का जीटीएस अपलोड करोगे, उसका फिर दोस्तों प्रिंट उपरांत ही आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर उसका शुल्क जमा करोगे, उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने कॉलेज में जाकर इच्छा अनुसार विषयों तथा माइनर कोर्स, आपको माइनर कोर्स चूज़ करना है, 1 मल्टी डिस्पेंसरी कोर्स, 1 MBDC, MIL, AAC, 1 स्किल इन्हांसमेंट कोर्स और वैल्यूडेड कोर्सेज में आधारित विषय का चयन करना है। इसके उपरांत इस उस प्रिंट आउट पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और विभाग अध्यक्ष अपने डिपार्टमेंट से हस्ताक्षर कराने के उपरांत उसकी एक फ़ोटो कॉपी देख पर अपने डिपार्टमेंट में जा करके दोस्तों पास जमा करेंगे और एक प्रति अपने पास रखेंगे। महाविद्यालय इसके उपरांत ही वैलिडेशन करेंगे। तो दोस्तों आपके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है यूजी रेगुलर वालों की, जिनका भी नामांकन अभी हुआ, जिनका नामांकन अभी हो रहा है, जो भी स्पॉट एडमिशन वाले वो भी दोस्तों इसमें अप्लाई करके आपको ऑनलाइन ही कैसे करना है हम अगली वीडियो में बताएंगे। यूजी रेगुलर देख पा रजिस्ट्रेशन फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर सभी बोर्ड के उत्तीर्ण छात्रों के लिए 600 रुपये यहाँ पर लग रहा है। तो चलो रजिस्ट्रेशन भी कराना है आपको, 600 रुपये अलग रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर आ जाओ, एडमिशन सीट्स तो देख सकते हो,
तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल आपको ऑप्शन अवेलेबल आ गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन देख पर बी ए बी एस सी बी कॉम ऑनर्स कोर्स के लिए, आपको यहाँ पे क्लिक कर देनी है। फिर कुछ डिटेल्स डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे पढ़ लीजिए। अब देखो यहाँ पर आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा प्लस टू का, ठीक है, आपने बारहवीं जहाँ से किया है क्लास ट्वेल्थ का उसके सारे डिटेल्स आपको भरना है। बारहवीं आपने किस बोर्ड से दोस्तों किया है वो चूज़ करेंगे। आपको ऑप्शन पे पूरा अवेलेबल है सारे बोर्ड्स का, देख रहे हो, अगर इसमें बोर्ड का आपका नाम देखो आई टी एन सी वी टी का भी है ना, वो सब आपने बारहवीं किया है, तो जिससे भी गए दोस्तों अपना चूज़ करेंगे यहाँ पे। इसके बाद किसी बारहवीं पास किए हो, इसके बाद दोस्तों बात करें बारहवीं का यहाँ पर एग्जामिनेशन रोल नंबर क्या है, रोल नंबर दोबारा डालेंगे और डिक्लेरेशन डालेंगे दोस्तों, फीस बॉक्स पर क्लिक करके पॉजिटिव फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। तो ये काम उन्हीं को करना है जो फ्रेशर्स है, ठीक है, अगर आपने आवेदन अगर नहीं कर पाया था विषय के लिए वो इनको करना है फ्रेशर्स वाले को, ठीक है, अप्लाई ऐसे करोगे ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए पाटिल से पटना में। तो यहाँ पर दोस्तों आप जब भी सभी अपना प्लस टू बोर्ड का डिटेल्स डाल दीजिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपको जो भी बोर्ड था जिस ईयर पास किए थे, रोल नंबर, मार्क्स, आपका नाम, अब आपको भरना है फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे ये प्रोसीड्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो आगे दोस्तों यहाँ पे छोटा सा रजिस्ट्रेशन आपको कर लीजिए, यहाँ पे अपना नाम डालिएगा जो भी आपके टेंथ के मार्कशीट में या इंटरमीडिएट के मार्कशीट में उसी के अकॉर्डिंग, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ दोस्तों क्या है वो यहाँ पे चूज़ करोगे, फिर आपका जेंडर क्या है वो जेंडर चूज़ करेंगे, आपका रिलीजन किस धर्म से बिलोंग करते हैं दोस्तों वो यहाँ पे चूज़ करेंगे, ठीक है, फिर आपका कैटेगरी का एक कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करेंगे। अब सब कैटेगरी देखो, गर्ल्स हो तो गर्ल्स अपना चूज़ करेंगे, अब बॉयज़ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो चूज़ करना, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो अपना कैटेगरी चूज़ कर लेना सब कैटेगरी, माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो येस, नहीं तो नो पीजी चूज़ करिए। चलिए डोमिसाइल स्टेट आप किस के रहने वाले हैं वो चूज़ करिए यहाँ पर, सर्टिफिकेट नंबर ये जरूरी नहीं है पर आपके पास है तो दे सकते हैं, आधार नंबर जरूरी है डाल देना। अब आपसे क्वांटिटी डिटेल्स यहाँ पर मांगे जाएंगे, अपना क्वांटिटी डालिए यहाँ पर, स्टेट, पिन कोड सब डिटेल्स डालेंगे। चलिए सब डिटेल्स आपने डाल दिया, पिन कोड, मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए, ईमेल डालिए, ईमेल दोबारा डालिए, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स आपको डालना है। आपको टेंथ मार्कशीट में अगर आपको रोल कोड रोल नंबर साथ है तो आपको उसको भी साथ ही भरिएगा, ठीक है, रोल कोड डैश रोल नंबर डाल के। अब यहाँ पे पहले मैट्रिक का पूछा जा रहा है क्लास टेंथ का दोस्तों, वो किसे पास किए हो वो चूज़ करिए, किस बोर्ड से किए हो मैट्रिक, रोल नंबर कोड क्या था, रोल नंबर एक साथ अगर है तो ऐसे लिखेंगे, रोल नंबर है तो रोल नंबर डालो, दोनों साथ है तो दोनों साथ डालिएगा रोल कोड रोल नंबर, फिर मैक्सिमम 500 में कितना है वो, और नीचे आपका सीनियर सेकेंडरी ट्वेल्थ का आपने जो भरा था मार्क्सिट्स वो देखने को मिलेंगे। बस एक बार ध्यान रखना है यहाँ पर जो भी प्लस टू किए हैं तो अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है बिहार बोर्ड में जैसे कि मैथ्स और बायोलॉजी, आपको विल फिल द ऑप्टेव को जो भरना है, ठीक है, मैक्सिमम देखो सब्जेक्ट यहाँ पर जो आप आगे पढ़ना चाहते हैं लेकर के दोस्तों आप वही चूज़ करना होगा, आप बायोलॉजी और मैथ आप साथ साथ नहीं ले जा सकते हैं, कोई एक ही सब्जेक्ट आपको लेकर आगे बढ़ना होगा। तो चलिए मार्कशीट डालिए, इसके बाद पूछा जाएगा आप मैथ पढ़े इंटरमीडिएट में बारहवीं में पढ़े हैं तो यस करें, नहीं पढ़े हो तो नो पे क्लिक करना, फिर फोटो अपलोड करोगे पासपोर्ट साइज 20 KB से कम और सिग्नेचर दोस्तों यहाँ पर अपलोड करोगे, बात करें यहाँ पर 20 KB से कम आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर दोस्तों आपके एप्लीकेशन में यहाँ पे क्लिक करिए और ये कैप्चर डालेंगे, सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या करना है चलो बताते हैं दोस्तों। आपको पाठ्य से पट्टा के एडमिशन पोर्टल पर आ जानी है, आने के बाद यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। अब देखो जो भी स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले को भी क्या करना है, ठीक है, दोबारा बता रहे हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करने वाले साथ साथ देखते जाओ, आपको यूजर नेम पासवर्ड दोस्तों मिल गया होगा, कैप्चर आके लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अगर आप भूल गए होंगे तो यहाँ पे ग्रीन बटन इस पर दबा करके 11th 12th का दोस्तों पूछा जाएगा आपसे, रोल को रोल नंबर डिटेल्स वो डालेंगे, वहाँ से आपका रिकवर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बात करें यहाँ पर करेक्शन वाले भी, जिनको भी करेक्शन के लिए अप्लाई करना है, ये स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करना है, तो पहले करेक्शन वाले वाले और बात करें फ्रेशर्स वाले, आप ये सुनो, आप दोस्तों लॉग आईडी पासवर्ड आपके पास आपको मिल गया तो यहाँ पे दोस्तों आप डालिए, डाल के लॉगिन करिए, इसका दोस्तों पोर्टल यहाँ पे खुल जाएगा, आपको जो भी करेक्शन जिनको करना है या अपलोड करना है आपको फ्रेशर वाले को, तो आगे डिटेल्स मांगा जाएगा, प्रोफाइल डिटेल्स आपको यहाँ पर अपना एजुकेशन डिटेल्स में मेट्रिक और इंटर का मार्कशीट्स और भी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देंगे, और दोस्तों आपको एप्लीकेशन फी का यहाँ पे फी का पेमेंट कर देनी है, ठीक है, बात कर दोस्तों आप कुछ कर दीजिएगा, करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फी मुश्किल से वही 500-600 के अराउंड लगेगा, ज़्यादा नहीं, फिर दोस्तों उसके बाद सब कुछ हो गया, अब देखो यहाँ पे स्पॉट में मांगे क्या करोगे, तो पहले जब लॉगिन करिएगा, लॉगिन करने के बाद आपको एक ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, ब्लैंक स्पॉट ऑफर लेटर वो रहेगा आपका प्रोविजनल ऑफर लेटर, वो दोस्तों पूरा खाली रहेगा, उसमें एक ऑफिशियल नंबर रहेगा
उसको आप दोस्तों ब्लू स्लेटो का डाउनलोड कर लोगे, और जो अभी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा पार्टी से पटना के पोर्टल पर उसको भी दोस्तों यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। और जिनको भी करेक्शन कराना है, पोर्टल ओपन हो गया, आप पैट उसमें एडिट करने का आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप एडिट करो उसको, करेक्शन करो, फिर करेक्शन करने के बाद उसको सेव करके एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करेंगे, स्पॉट ऑपरेटर वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो स्पॉट ऑपरेटर दो पार्ट में है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर एक स्टूडेंट कॉपी होगा, एक जहाँ कॉलेज में जमा करोगे कॉलेज कॉपी होगा। तो स्टूडेंट कॉपी अपने पास भर के रखेंगे और कॉलेज कॉपी जिस कॉलेज में जाना है लेकर के जमा कर सकते हैं, और आप दूसरे तीन कॉलेज में भी जाके लेके जाके जमा कर सकते हैं। बस डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा इसका प्रिंटआउट निकालेंगे, और जो आपका स्पॉट ऑफ लैक ऑफ लेटर था उसका वो ले जाए, दोनों अटैच करके आपको जिस कॉलेज में दाखिला लेना है जाकर के वहाँ फटाफट जाके जमा कर दीजिए। फिर उस कॉलेज की तरफ से दोस्तों मेल लिस्ट आएगी, आपको मेल मैसेज आएगा, आपको मेल आएगा, फिर उसमें आपको एडमिशन ले लेनी ऑनलाइन। और आपने देखा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। अगर रजिस्ट्रेशन में फूल डिटेल चाहिए कैसे करना है, क्या प्रक्रिया तो कमेंट करना, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों ये थी फुल पूरी अपडेट यहाँ पर आरती से पटना की तरफ से यूजी स्पॉट एडमिशन को लेकर के। आप जब का कॉलेज आपको मिल जाता है तो फिर कॉलेज की वेबसाइट पर जाओगे, जाकर कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर के आपको एडमिशन लेना है। फर्स्ट सेमेस्टर का फी 2255 रुपया देकर के फर्स्ट सेमेस्टर में फिलहाल आपको एडमिशन ले लेना है। तो ये थी पाटली से पटना यूजी स्पॉट एडमिशन का बहुत सारा अपडेट। किसी को डाउट हो कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आया लाइक करिए। अभी दोस्तों लिंक डायरेक्ट आपको यहाँ पर ये पीपीयू का स्पॉट ऑफर लेटर का, यहाँ लॉगिन बोर्डर का डायरेक्ट हम दे देंगे डाउन करने का हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके लिए चैनल के बाद उसमें जाना, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। और भी दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया, वहाँ से भी आप वहाँ से भी दोस्तों अपना ब्लैंक और स्पॉट ऑफर डाउन कर सकते हैं। तो किसी को डाउट हो कमेंट कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।